शहरी विकास मंत्री एवं कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा ने भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद शांता कुमार पर केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शांता कुमार ने एक बार भी लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर एक भी प्रश्न नहीं पूछा और न ही इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया है। उन्होंने कहा कि शांता कुमार केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय को पूरा का पूरा धर्मशाला में स्थापित करने की बात करते रहे, लेकिन उन्होंने जमीनी तौर पर इसके लिए बतौर सांसद कोई भी कार्य नहीं किया है। सुधीर ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कांग्रेस सरकार की देन है और कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि चयनित कर दी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जिस भूमि का स्टेटस क्लियर था उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया और बाकी का फॉरेस्ट केस केंद्र सरकार को भेजा गया है। सुधीर शर्मा ने कहा, अब तो प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसीलिए शांता कुमार को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का कार्य शुरू करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देहरा भी हिमाचल का एक हिस्सा है और जिस प्रकार से निर्णय लिया हुआ है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का 70% हिस्सा धर्मशाला व 30% हिस्सा देहरा में बनना चाहिए वो कांग्रेस को मंजूर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के देहरा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए आया हुआ ऐसा भी बिलासपुर में बनने वाले एम्स के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के ऊपर मैं ये आरोप मेरा है सांसद महोदय के ऊपर कि उन्होंने लोकसभा में एक भी प्रश्न उसके ऊपर नहीं किया, सिर्फ बोलते रहे कि धर्मशाला में ही बनेगी पूरी की पूरी। हमने भूमि उपलब्ध करवा दी, जिस भूमि का क्लियर स्टेटस था उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम ट्रांसफर करवा दिया, बाकी का फॉरेस्ट केस केंद्र को गया हुआ, वहां भी इनकी सरकार है, अब तो यहां भी इनकी सरकार है। जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू करना चाहिए, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह का निर्णय हुआ था कि 70% धर्मशाला 30 देहरा, हमें मंजूर है, देहरा भी हिमाचल प्रदेश का ही एक हिस्सा है और वहां भी अगर कुछ कैंपस जाता है, मुझे तो यह आशंका है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का पैसा आया था उसका जो मेडिकल कॉलेज का पैसा था वो डाइवर्ट करके बिलासपुर में एम्स बनाने के लिए चला गया।